collective with Imam, Imran, counselors, Shahid sahab especially, जो आजकल बड़े मुतर्रिक हैं पुलिस के साथ और शेर रावलाकोट के हवाले से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में मैं इनको देख रहा हूँ कि वो लोगों के लिए काम करने के लिए दर्द दिल रखते हैं और आजकल मुसलसल उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि वो रावलाकोट को मंशियात से पाक करने के लिए तगदो कर रहे हैं। तो मुश्ताक साहब की डकैती के हवाले से पहले हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का जो यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें ये इज्जत बख्शी, और मैं अपनी पुलिस को स्पेशली आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुबारकबाद भी देता हूँ, उनको मैसेज भी देता हूँ कि जब आप काम करते हैं, जब लोगों को दादरसी फराहम करते हैं, जब उनकी मामलात को हल करते हैं, तो लोग आपको किस तरह इज्जत देते हैं, और ये इज्जत जब आपको मिलती है तो उससे पुलिस का मोराल भी हाई होता है। तो इससे मैं अपने रावलाकोट और स्पेशली आज़ाद कश्मीर की पुलिस को ये मैसेज दूंगा कि लोगों के मसाइल को हल करने में पुलिस जब आंटोज होती है तो लोग उनको इसी तरह इज्जत देते हैं जिस तरह के आज रावलाकोट के लोगों ने हमें इज्जत दी है। और मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने जो आज हमें इज्जत आपके तवस्सुत से दी है, इस इज्जत में मेरी पुलिस जो है वो दिन ब दिन अजाफा करेगी और अजाफे का बायस बनेगी। मैं आपको ख़ासकर ये जो आपने आखिरी बात की कि जी इंजेक्शंस जो फरोख्त हो रहे हैं बाज़ार के अंदर, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और कई नौजवान हमारे जो हैं वो इंजेक्शंस की लपेट में आके उनकी डेथ्स भी हो चुकी हैं। बल्कि आज ही मैं सुबह कल हमारी मीटिंग हुई जो अपने बदलिया के मजज मेमरान से, तो उसमें हमने इस बात का अदा किया था कि जी हम इस पे कंट्रोल करेंगे और इसके साथ हम ड्रग इंस्पेक्टर साहब को साथ शामिल करके हेल्थ डिपार्टमेंट को तो इसके लिए मैकेनिज्म बनाएंगे। मैंने आज ही मुझे एसएचओ ने बताया कि हमने एक शख्स को पकड़ा है जो इंजेक्शन यूज कर रहा है। पर्ल न्यूज़।